हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अबाउट आई आईआईटी बॉम्बे की पोर्टल के बारे में अलोंग विद दैट जो मेन न्यूज़ है इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि बीटीएस आईआईटी मुंबई गुवाहाटी हैदराबाद एंड आईआईटी डीएम जबलपुर के छात्रों का फॉर्म है वो निकल चुके हैं आप यूसीईईडी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप देख सकते हैं ये लिंक आपको प्रोवाइडेड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको लिखा हुआ है बी डी आई आई टी मुंबई गुवाहाटी हैदराबाद एंड जबलपुर टिल द टाइम ये लोड हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो के देखने के बाद आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज ये चैनल से आपको अभी हेल्प नहीं कर रहा है चैनल ऐसी ही वीडियोज रोज डेली बेसिस पर बना के आपको इन्फॉमेसन निकाल के आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है अबाउट आई आई टी अबाउट ऑल दस यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उन सब की डिटेल्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेगी एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ आप पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा आप देख सकते हैं एक पी है जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया के बारे में लिखा हुआ है ये कुछ थ्री क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने हैं द फर्स्ट वन इज एज लिमिट द सेकंड वन इज यूसीईई डी क्वालिफिकेशन द थर्ड वन इज क्वालिफाइड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आपको कुछ रिवाइज सीट मैट्रिक्स देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करवाने है तो आप यहाँ कर सकते हैं सो सबसे मेन स्टेप है फर्स्ट स्टेप होगा आपका एलिजिबिलिटी देन आपकी रिवाइज सीट मैट्रिक्स देन आप वेरीफाई कराएंगे उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस वगैरह लिखेंगे उसके बाद अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जैसे कि आपकी मार्कशीट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की आपका एज प्रूफ यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है एंड आपके अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपनी फीस पे करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे इस प्लीज रिमेंबर कि अपना फॉर्म प्रिंट करवाएं साइन कराएं और उसके बाद फिर से उस जिस साइन फॉर्म है उसे अपलोड करें आई होप दिस वीडियो ने आपको हेल्प की हो थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन्स